हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, आप में से बहुत से लोग यार कमेंट कर रहे थे कि भाई फार्म्स के ऊपर वीडियो बनाओ। पहले तुम बनाते थे, अब नहीं बना रहे हो। तो यार इसलिए आज मैं आपको बेस्ट फार्म बताने जा रहा हूँ जो कि यार बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाले हैं। और हाँ, ये सारे भाई 1.21 में भी वर्क करते हैं। तो गाइस, अगर आप क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग खेलते हो या फिर माइनक्राफ्ट खेलते हो, तो यार दोनों में ये फार्म्स वर्क करने वाले हैं। तो चलो यहीं से करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग वीडियो में पहली बार आए तो यार वीडियो करो जल्दी से लाइक, एंड अगर चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो पहला फार्म है भाई अपना काउ फार्म। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेस्ट को तोड़ना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। एंड यहाँ पे चेस्ट तोड़ने के बाद यहाँ पे कुछ आइटम्स मिलेंगे। एंड अब आपको करना क्या है, सिंपल सा भाई, दो पहले गड्ढा करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक चेस्ट रखनी है एंड फिर इसके पीछे आना है एंड आपको क्राउच करना है एंड फिर इधर से अटैच कर देना है। एंड इधर तरफ आपको एक डर्ट रखना होगा एंड फिर इस तरफ आना है आपको। आपको अब स्टेयर लगाना होगा कुछ इस तरह से एंड फिर आपको भाई इस तरफ एक प्लैंक रखना है एंड इसके ऊपर जाना है एंड इस डर्ट के अगल बगल आपको प्लैंक्स लगाने हैं। एंड अगल बगल प्लैंक्स लगाने के बाद फिर आपको थोड़ा सा ऊपर प्लैंक्स लगाना है एंड फिर आपको डर्ट को तोड़ देना है एंड फिर नीचे तरफ आना है भाई, इस एरिया को कवर कर देना है। कवर करने के बाद भाई ये कुछ ऐसे दिखने वाला है एंड इसके अंदर फिर आपको वाटर डाल देना है। एंड अब आपको क्या करना है भाई, बस कोई तरह करके दो काओ को बस आपको वेट दिखा के इसके अंदर डालना है। तो वैसे काओ अंदर चली जाती है, बस आपको थोड़े से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन भाई यहाँ पे मैं अभी क्रिएटिव में हूँ तो भाई स्पॉन कर सकता हूँ। एंड यहाँ से दे सकते हो आप, फिर आपको फेंस लगाना है एंड भाई क्लिक करते जाना है एंड यहाँ पे अपने आप फेंस लग जाएगा। एंड अब आपको भाई वेट खिले जाना है, इन लोगों को खिलाते जाना है। एंड उसके बाद भाई एक लिमिट होती है, अगर वो लिमिट अगर ये लोग क्रॉस कर जाते हैं तो भाई अपने आप ही ऑटोमेटिक एक तरह का फार्म बन जाता है। एंड हाँ गाइस, अगर आप लोग सर्वाइवल खेल रहे हो तो भाई ये ऑटोमेटिक फार्म आपको जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे मैं लीवर ऊपर करता हूँ तो ये फार्म भाई अपने आप ही यहाँ पे फूड कुक करने लगता है। एंड यहाँ पे देखो मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने चालू कर दिया एंड यहाँ पे मैं बर्न कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा भाई ऑटोमेटिक ऊपर से फूड आना बंद हो जाएगा। तो इसको बनाना भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको दो चेस्ट रखनी है एंड इसके पीछे आना है एंड यहाँ पे हॉपर को भाई कनेक्ट करना है एंड फिर भाई आपको हॉपर के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो, हॉपर के ऊपर फिर आपको क्राउच करना है एंड यहाँ पे फिर आप लोग फर्नेस रख सकते हो। एंड उसके बाद भाई फिर आपको हॉपर को यहाँ पे फिर से कनेक्ट करना है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड फिर आपको हॉपर को इसके ऊपर कनेक्ट करना है भाई फर्नेस के ऊपर। एंड अब आपको भाई सिंपल सा बस दो चेस्ट रखना है एंड यहाँ पे भी दो चेस्ट रख देना है एंड उसके बाद आपको क्राउच करना है एंड भाई लीवर को हाथ में पकड़ना है एंड यहाँ पे लगा देना है। एंड अगर आप लोग लीवर को ऑन करे रहोगे तो भाई ऊपर से फूड नहीं आएगा। तो ऊपर वाली चेस्ट में भाई आपको अपना फूड रखना है एंड फिर नीचे वाली चेस्ट में यहाँ पे आपको फूल रखना है। तो इस फार्म को ऑन करने के लिए भाई बस आपको क्या करना है, लीवर को ऑफ करना है। लीवर यहाँ पे ऑन रहेगा तो भाई ये फार्म थोड़ा बंद रहेगा एंड देख सकते हो ये फार्म चालू हो चुका है। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि भाई इतना ही फूड कुक होगा तो भाई आप लोग इसको ऑन कर सकते हो एंड देख सकते हो भाई ऊपर से फूड आना भी बंद हो गया है। तो नेक्स्ट फार्म हमारा होने वाला है भाई लावा फार्म। तो सबसे पहले आपको कोल्ड्रोन को रखना है। तो आप लोग 4x4 भाई का भी बना सकते हो, क्योंकि भाई आप लोग बिगनर हो तो 4x4 का आपको बना लेना है एंड फिर उसके बाद आपको क्राउच कर देना है एंड यहाँ पे आपको डर्ट रखनी है। उसके बाद आपको भाई कॉबल स्टोन लेना है एंड इसके ऊपर भाई अब आपको फिल कर देना है पूरा कॉबल स्टोन से। कॉबल स्टोन लगाने के बाद फिर आपको डर्ट को तोड़ है एंड यहाँ पर आपको लगाना है ड्रिप स्टोन। तो ड्रिप स्टोन भी भाई आपको पूरा फिल करना पड़ेगा एक एक करके। उसके बाद भाई यहाँ पे आपको चारों तरफ डर लगानी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। एंड अब आपको भाई ट्रैप डोर का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए आपको ट्रैप डोर ऐसे लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ एंड ट्रैप डोर लगाने के बाद बस भाई आपको क्या करना है, डर्ट को तोड़ देना है। डर्ट को तोड़ने के बाद भाई अब आपको भाई एक एक बकेट को यहाँ पे दे सकते हो पूरा लावा फिल करना पड़ेगा, कहीं पे भी लावा बचना नहीं चाहिए। एंड पूरा फिल करने के बाद दे सकते हो भाई यहाँ पे मुझे लावा मिल चुका है। तो आप वैसे बहुत लोग सोचने वाले हो भाई ये लावा का क्या इस्तेमाल होने वाला है। तो अगर आप लोग भाई फूड कुक करते हो तो भाई आप लोग फर्नेस में लावा डाल के इस्तेमाल कर सकते हो। एंड हाँ भाई, इनमें से कौन से फार्म आपको पहले से पता था ये भी भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड अपने दोस्तों को ये वाली वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलो मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।